तो ये है मेरा स्पाइडर प्लांट, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। तो क्या ये मेरा स्पाइडर प्लांट का पौधा टेरेरियम सेटअप में जी पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए मैं इसको ग्रो करूंगा, छोटा सा कप है, काफ़ी छोटा है। पॉटिंग मीडिया में देखिए मेरे टेरेरियम की मैंने एक मीडिया बनाई थी, इसमें इसमें एक मॉस है, एक चारकोल है, और मैंने इसमें मिलाया है अपना होममेड लीव कंपोस्ट। मुझे 3 ही कंपोनेंट है इसमें। तो निकालते हैं अपने इस प्लांट को और इसमें डालते हैं। जो आप ये देख रहे हैं इसको मैंने प्रोपोगेट किया था कुछ दिन पहले इस रेत में, और अब इसको निकाल रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी रूट्स फॉर्म हुई है इसके। चलिए इसको मैं कर लूँगा ठीक से साफ। ये देखिए मैंने इसको कर लिया ठीक से साफ। देखिए कितनी अच्छे इसकी ये राइजोम्स बने हैं। एंड तो चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे हम अपनी इस गिलास के बारे में। और इस गिलास में देखिए मैंने ये लगा लिए हैं, ये कुछ पत्थर हैं, डेकोरेटिव पत्थर कहीं भी मिल जाते हैं आपको। एंड इसको मैंने लगाया है एज फॉल्स बॉटम, ताकि जो मैं इसके ऊपर मीडिया रखूं और जब इसमें पानी डालूं तो वो पानी मीडिया को टच ना हो, और जो एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे इसी में एक्युमुलेट होता रहे। मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसमें देखिए कोई भी ड्रेनेज होल्स नहीं है, तो पानी का निकलने का कोई भी साधन नहीं है, तो हमको ये फॉल्स बॉटम बनाना पड़ा। और अगर अब एक्स्ट्रा पानी, अगर आप फॉल्स बॉटम नहीं बनाएंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा पानी है वो जरूर निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉल्स बॉटम का मोटिव यही है कि जो ये इसमें पानी एक्स्ट्रा हो वो पानी हमारे मीडिया को टच नहीं होना चाहिए। प्लांट रेडी है बिल्कुल। तो देखिए दे रहा हूँ मैं पानी फर्टिलाइजर का, ये मेरा फंगिसाइड वाटर। देन इसको रख दूंगा उसी जगह पर जहाँ पर ये नॉर्मली था, और जहाँ पर स्पाइडर प्लांट अभी प्रोपोगेट हो रहा था इसको रख दूंगा मैं। तो ये है मेरा स्पाइडर प्लांट ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। और ये देखिए इसकी जो रूट्स हैं अब नीचे तक आ चुकी हैं, तो इसको रिपोर्ट करने का टाइम भी है। एंड ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये इस वाले मीडिया में। तो देखिए आप बिना होल के भी, अगर आपको इसमें पॉट में होल नहीं है ग्लास वगैरह में, तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। तो नीचे थोड़ा सा आप पेबल्स लगा लीजिए, एंड वो एक फॉल्स बॉटम का काम करते हैं। और जो ये मीडिया है काफ़ी वेल ड्रेनिंग है और न्यूट्रिशियस भी है। सो आज है 3 मई 2024, और देखिए ये है अपडेट। 29 दिसंबर को मैंने इसको लगाया था, आज 2 मई हो गई है, 5 महीने बाद। देखिए